हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस। आज का हमारा टॉपिक है मेलविल डीवी। तो मेलविल डीवी का बर्थ हुआ था 10 दिसंबर 1851 में न्यूयॉर्क में। इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? डीडीसी, जिसका फुल फॉर्म है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। मेलविल डीवी को पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक को मेलविल डीवी को कहा जाता है। मेलविल डीवी सबसे पहले अमरेस्ट कॉलेज में सहायक के रूप में कार्य किए, वहीं पे उन्होंने डीडीसी का इन्वेंशन किया। मेलविल डीवी को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। मेलविल डीवी लाइब्रेरियन के तौर पे काम कर चुके थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1883 से। वर्ल्ड का फर्स्ट लाइब्रेरियन स्कूल मेलविल डीवी के द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसका नेम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कब शुरू किया गया था? 1887 में। कहाँ पे? प्लेस कौन सा? अमेरिका। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी ये किससे एफिलेटेड था? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। लाइब्रेरी इकोनॉमी वर्ड का यूज़ भी सबसे पहले मेलविल डीवी ने ही किया था। वर्ल्ड का सेकेंड लाइब्रेरियन स्कूल भी पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड का सेकेंड लाइब्रेरियन स्कूल जो है 1950 में शुरू किया गया। लाइब्रेरी साइंस की जो फर्स्ट पत्रिका है, मीन्स पीरियोडिकल, इसका नाम मेलविल डीवी के द्वारा ही संपादित किया गया था। मेलविल डीवी के द्वारा ही इसका शुरुआत किया गया था, जिसका नाम है लाइब्रेरी जनरल। 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना भी मेलविल डीवी के द्वारा ही किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।